अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये देखिए आलू गोश्त। कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है इसका, बिल्कुल देखी स्टाइल का। और इसकी ग्रेवी देखिए ऐसी थिक होती है इसकी ग्रेवी, बस ये ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी थिक होती है इसकी, आम आलू गोश्त से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है जी। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन देखिए आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा देखिए आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये 1/2 kg मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं इसको। ये कुछ ड्राई मसाले हैं, इनको मैं पीसूंगी। 1/2 teaspoon ज़ीरा लिया है मैंने, 4 छोटी इलायची हैं, 6 लौंगे हैं, ये जावित्री का पीस है, ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है एक। ये जावित्री और जायफल जो मैंने लिए ये पीसने के बाद 1/2 teaspoon बनेगी है। एक बड़ी इलायची, इसके दाने निकाल लूँगी मैं। 10-12 काली मिर्चें हैं, दालचीनी का टुकड़ा है छोटा, इन सबको मैं पीस लूँगी। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, ये जाएंगे इसमें। 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये डालूंगी इसमें। 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट है, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च देगी लाल मिर्च है, 1/2 teaspoon हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, ये जाएंगे इसमें। 1/2 कप दही है, 1/2 कप ब्राउन प्याज है, इसको मैंने चूरा कर लिया है, 1/2 कप ऑयल जाएगा इसमें। तो ये तीन चीज़ें हमारी देगी आलू गोश्त की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आलू गोश्त बनाना शुरू कर रही हूँ। पतीली में ये ऑयल डालूँगी 1/2 कप, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। अब इसमें मटन शामिल कर रही हूँ। इसको भूनेंगे, इसके साथ इसका कलर चेंज हो जाए इतना भूनना है। ऑयल में मटन डाल के मैंने इसकी फ्राई कर ली है। अब इसमें ये डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, फिर से इसकी भुनाई करूंगी। लहसुन अदरक डाल के 1 से 1.5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 टेबल स्पून। अब इसमें ये मसाले शामिल कर रही हूँ। मसाले मैंने 1/2 kg के हिसाब से लिए हैं, आप अगर ज़्यादा या कम लें तो फिर उसके हिसाब से ही डालिएगा। अब इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई अगर आप पहले ही अच्छी तरह से कर लें तो बाद में ये होता है कि गलने के बाद गोश्त में फूट भी जाती हैं जब हम आखिर में इसकी भुनाई कर रहे होते हैं। और पहले से अच्छी भुनाई करी हुई होगी तो फिर बाद में इतनी ज़्यादा आपको भुनाई नहीं करनी पड़ती और गोटियाँ वगैरह भी सही रहती हैं, सेट रहती हैं। अब मैं इसकी अच्छे से 4 से 5 मिनट भुनाई कर लूँगी। अभी इसमें दही भी शामिल करूँगी मैं। अभी 1 से 2 मिनट में ऐसे ही भुनाई करूँगी और फिर उसके बाद दही शामिल करूँगी। मसाले डालने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी और 3 से 4 मिनट में इसकी और मज़ीद भुनाई करूँगी। इसकी आँच मैंने मीडियम रखी हुई है। दो दफ़ा मैं करके डालूंगी मैं। और अभी बाकी का भी डाल, और 3-4 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी। खूब अच्छा सा ऑयल निकला है इसका।
पाँच से छः मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली, ऑयल भी निकल आया है इसका बहुत अच्छा था, और भुनाई अच्छी करना ज़रूरी है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसी वक्त कर लेती हूँ भुनाई, इससे ये रहता है कि बोटियाँ टूटती भी नहीं है। अब इसमें पानी शामिल करूँगी गलाने के लिए, आधा कप पानी डाल दूँ, मटन है जल्दी गल जाता है, मिक्स कर दूँगी इसको। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ मीडियम आंच पे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब ये वाला मसाला मैं चॉपर में पीस रही हूँ, ये मैंने खोल ली है, बड़ी वाली इलायची है, इसके दाने निकाल लिए। ये मसाला मैंने पीस लिया, अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया, मैं इसको चेक करती हूँ, आधे घंटे के लिए मैंने रखा था गोश्त को गलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा गल गया है गोश्त। अब इसमें ये ब्राउन प्याज डालूंगी, भुनेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी डाल दूँ 2 टेबल स्पून। ये मसाला जो पीसा था ये डाल दूँ इसमें, अब इसको भुनेंगे। भुनाई पहले ही मैं अच्छी कर चुकी हूँ, अब इतना ज़्यादा इसको भुनाई नहीं करनी। ये आलू मैंने काट लिए हैं, ये डाल दूँ थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप पानी डाला है मैंने इसमें, और इसकी भुनाई करूँगी। इसका ऑयल वगैरह निकला है तो फिर मैं इसमें गलाने के लिए आलू को पानी डालेंगे। आलू डालने के बाद 2-3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और अब मैं इसमें पानी डालूंगी आलू गलाने के लिए। ऑयल निकल आया है इसका, जितना आपको शोरबा रखना है उसके हिसाब से आप पानी डालें इसमें। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है, आधा कप ये और डाल दूँगी, 1.5 कप पानी डाला है मैंने इसमें, मिक्स करेंगे इसको। इसको मीडियम आंच पे रख ली हूँ कवर करके 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ। 15 मिनट हो गए आलू गलाने के लिए रखे थे मैंने, अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आलू भी गल गए इसके। आखिर में ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें, बिल्कुल तैयार हो गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल तैयार हो गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा देखिए आलू गोश्त। 2 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारा देखिए आलू गोश्त तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। कलर देखिए आप कितना ज़बरदस्त आया है इसका, बिल्कुल देखिए स्टाइल का। और इसकी ग्रेवी देखिए ऐसी थिक होती है इसकी ग्रेवी, बस ये ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी थिक होती है इसकी, आम आलू गोश्त से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जी तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन देगी आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। नान के साथ इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करें इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कैसी बनी। रेसिपी देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।